जी हाँ, यही बड़ा सवाल है। कृषि मंत्री या कृषि मंत्री, आप दे सकते हैं हमें अपनी राय। लगातार आपकी कॉलर्स की राय का हमें इंतजार है। आखिर देश में बढ़ती महंगाई के लिए क्या कौन जिम्मेदार है, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? क्या आप सोचते हैं आपके कृषि मंत्री को जब कुर्सी की चिंता होती है तो देश के सरोकार नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? यही बड़ा सवाल है। हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से फोन लाइन पर है बबलू जी। जी बबलू जी, बताइए आप क्या सोचते हैं, कृषि मंत्री नकारा है? हाँ, कृषि मंत्री नकारा है या न है ये तो जनता जान रही है, पर मैं आपको साफ कह देता हूँ कि इस समय में जनता त्रस्त है जी, और महंगाई में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जनता त्रस्त है, गरीब व्यक्ति लगातार अपनी स्थिति को डावाडोल किए हुए हैं और यह सरकार न जाने कहाँ ले जा रही है। दूसरी बात यह है कि जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय के लिए। मंत्री को सिर्फ कुर्सी की चिंता, महंगाई तले आम आदमी दबा, यही बड़ा सवाल है। मोइन खान साहब इस वक्त फोन लाइन पर हैं जयपुर से। जी मोइन खान साहब, बताइए आप क्या कहेंगे। हाँ जी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ जो आप ये टाइटल दिखा रहे हैं कि ये कृषि मंत्री है, कुर्सी मंत्री है, जी ठीक है, तो ये वास्तव में साहब ये आज से नहीं है, पिछले 10 साल से कुर्सी मंत्री रहे हैं शरद पवार साहब। तो क्या नहीं समझे। करेंगे आप इस समस्या से निपटने के लिए, आप क्या करेंगे? हाँ जी, हम तो निवेदन करना चाहते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से, जो भारत सरकार है, जो नुमाइंदे बैठे हैं उनसे, कि ये लोग हैं इनको इमीडिएटली हटाइए, इनको इमीडिएटली, इनको इनको क्रिकेट की चिंता है, इनको फुटबॉल की चिंता है, इनको देश के किसान की चिंता नहीं है साहब, कि देश का किसान भूख से मर रहा है। नहीं समझे साहब, इनको तो अपने गोदामों की चिंता है, इनको अपनी फैक्ट्रियों की चिंता है, इनको अपने घर की चिंता है, तो ये शुक्रिया मोइन बताइए खान साहब, आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय हमारे साथ बांटने के लिए। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमारे साथ झोटवाड़ा से इस वक्त सुखदेव जी जुड़ चुके हैं। जी सुखदेव जी, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कृषि मंत्री शरद पवार पे ही क्यों उंगली उठा रहे हो, पूरी सरकार ही भ्रष्ट है, ये तो महंगाई तो होनी है। जी आप क्या मानते हैं, जिस तरह से हाल का घटनाक्रम जो चल रहा है, शरद पवार कुर्सी से प्यार कर रहे हैं और देश को नकार रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? शरद पवार अपने घर की राजनीति पूरी नहीं कर पा रहे हैं, देश की राजनीति क्या संभाल पाएंगे। जी जी बिल्कुल, यही सवाल हमने जनता से जानना चाहा है, जनता के रूप में आप बताइए आपकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। मदन लाल जी ब्यावर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी बताइए मदन लाल जी। हाँ हेलो। जी मदन लाल जी, क्या सोचते हैं, कृषि ये मंत्री सोच को रहा। कुर्सी से प्यार है? हाँ जी, ये कुर्सी कुर्सी मंत्री तो है ही है। जी मेरा कहना ये है, क्या विपक्ष भी आंखें मूंद के बैठा हुआ है? बिल्कुल, सवाल यही उठा रहे हैं हम, क्या जनता क्या विपक्ष क्या कर रहे हैं सभी लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय का। मंत्री को सिर्फ कुर्सी की चिंता, आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है। आप भी कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय, आप क्या सोचते हैं, महंगाई से क्या आपकी कमर टूट चुकी है? तो आप भी राय दीजिए अपनी और बताइए। हमारी फोन लाइंस खुली है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली है, आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर लगातार स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। भवानी मंडी से मधुसूदन जी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी मधुसूदन जी, बताइए आप हाँ क्या कहेंगे, महंगाई कृषि बढ़ रही मंत्री है ना? कुर्सी मंत्री है? हाँ, इसके जिम्मेदार कृषि मंत्री हैं जी, और मैं कुछ पंक्ति सुनाना चाह रहा हूँ सर। जी जी बताइए। हाँ, नेता सिर्फ वोटों का गोदाम न बन जाए, जी कुर्सी कहीं सत्तों का नीलाम न बन जाए, जी आजादी के परवाने दीवाने कहीं गुलाम न बन जाए, जी जागते रहें जागते रहें। बिल्कुल जागने की जरूरत है। महंगाई को लेकर भी कुछ लिखा है आपने? महंगाई को लेकर भी जी कुछ लिखा है आपने? नहीं, अभी तो केवल नेता के बारे में ही लिखा है, महंगाई के बारे में जब भी लिखूंगा बताऊंगा फिर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, इस खूबसूरत कविता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहनलाल जी नागौर से फोन लाइन पर हैं। जी मोहनलाल जी बताइए आप। हाँ जी सर, क्या कहेंगे, कृषि मंत्री सिर्फ कुर्सी मंत्री बन चुके हैं? मैं क्या कृषि मंत्री की लगा रखे हो, आप मेरी बात सुनो। इस कृषि मंत्री के और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जी हमारा प्रधानमंत्री नकारा है, यदि मेरी बात सुनो, कृषि मंत्री काम नहीं करता तो उसको हटा देना चाहिए। जी नहीं तो प्रधानमंत्री को, मेरी बात सुनो, इस महंगाई के लेन देन के अंदर इसको प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना चाहिए, जो भी अध्यक्ष है इसका। जी
अपन लोग कहते हैं कि मेरी बात सुनो, कृषि मंत्री क्या करेगा, यदि कृषि मंत्री कोई यदि घर का मुखिया। मोहन जी एक चीज बताइए, आप अपनी रसोई को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या प्रबंधन कर रहे हैं, कुछ घटाया जोड़ा कुछ ऐसा हुआ है महंगाई के कारण? इस महंगाई रसोई के अंदर प्रधानमंत्री ने भी मेरी बात सुनो हो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा आज तक। जी जी कृषि मंत्री या दूसरा जी मंत्री बिल्कुल, इसीलिए ये सवाल आज हमने आपके सामने रखा है। आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हनुमानगढ़ से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, किशन जी। जी किशन जी बताइए। हाँ जी, क्या कहेंगे कृषि मंत्री को लेकर, आपकी क्या राय है? राय कांग्रेस और कृषि मंत्री के लिए बहुत ही मतलब पूरे जनता को उन्होंने महंगाई के लिए दबा रखा है जी, और सरकार को मतलब महंगाई कम करने के लिए डीजल का सबसे बड़ा फैक्टर है, डीजल के रेट कंट्रोल करें। 15 रुपए हमारी मांग है, 15 रुपए डीजल का रेट हो। जी बिल्कुल लाजमी है, लेकिन फिलहाल जो खाद्यान्न को लेकर जो खाने पीने की चीजें हैं, दाल आटा गेहूं चावल, उनको लेकर क्या लगता है आपकी रसोई पे कुछ असर डाला है महंगाई के कारण? ये सारी चीजें डीजल के कारण महंगी हुई है और आगे भी होगी। आपकी रसोई पे क्या फर्क पड़ा है? रसोई पे सारा ही फर्क पड़ेगा, सब्जी महंगी हो गई, जो आने जाने का जो सब्जी आती है दूर से आती है। बहुत जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। तो महंगाई कमर तोड़ चुकी है, गरीब कहाँ जाए। टोंक से एक और कॉलर हमारे साथ कुलदीप जी हैं। जी कुलदीप जी बताइए। सर मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि इस महंगाई को देखते हुए अगर देश की जनता कुपोषण से ग्रसित हो गई तो सब मंत्रियों की जिम्मेदारी है, और इस मंत्री की सीबीआई जांच की जाए और इनका पूरा कालाधन एकत्र किया जाए। जी जी बहुत शुक्रिया आपकी राय आपके विचार हमारे साथ बांटने के लिए। तो महंगाई तले आमजन दब चुका है, आप भी कॉल कीजिए, हमारा नंबर स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले हो रहा है, और बताइए कि क्या है आपकी राय। गरीब जाए तो जाए कहाँ, ये सवाल आज फिर उठा है कृषि मंत्री को। जिस तरह से कुर्सी का प्यार हो चुका है, क्या वो आपकी राय में सही है? अशोक जी बीकानेर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी अशोक जी बताइए। हाँ जी सुनिए। जी सुनाइए, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई के कारण है, जो सारे कारण है ये सब नेता ही है हमारे, नेताजी शरद पवार को आप महंगाई का कारण मानते हैं, आपकी रसोई की क्या हालचाल है? सारा कारण यही है नेताजी हमारे, इनको क्या पता महंगाई क्या है जी। अनाज हमारे गोदाम में सड़ रहा है, बाहर बारिश में सड़ रही है जी। अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कुछ हद तक महंगाई कम हो सकती है जी। जी आपकी रसोई का क्या हाल है, आप कैसे मैनेज करते हैं घर को? ये हालत है कि जो हम पहले 15 दिन का खाद्य लेके आते थे आज वो 5 दिन ही चलता है। जी जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। लगातार लोग अपनी राय बता रहे हैं। सुनील जी झुंझुनू से जुड़ चुके हैं। जी सुनील जी बताइए क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है कृषि मंत्री को लेकर? मेरी राय सर यही है कि इस आदमी को है ना इंडिया गेट के ऊपर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए जी। ये तो संविधान, देश की जनता जिस तरह से आक्रोशित हो रही है, आप घर कैसे चला रहे हैं, कितना जिम्मेदार मानेंगे शरद पवार को, क्यों मानेंगे? कृषि मंत्री की वजह से। जी बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। कुरेशी जी झुंझुनू से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी बताइए आप क्या कहेंगे? हाँ सर, आपकी क्या राय है कृषि मंत्री को लेकर? हाँ सर, कृषि मंत्री को लेकर आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है कि साहब जिस टाइम पे देश के अंदर महंगाई ने जबरदस्त कमर तोड़ दी है जी, और मंत्री जी को इसकी परवाह ही नहीं है कि हमें देश के गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी कोई सोचे बेरोजगार है जी, जो लोग आज भी भूखमरी से कतार पे है, ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट सुनती है और ना हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से सुनती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए। लगातार कॉलर्स अपनी राय बता रहे हैं हमें। गोवर्धन जी भीलवाड़ा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी गोवर्धन जी बताइए। सर महंगाई को लेकर मैं भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ। जी बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप कृषि मंत्री को लेकर? पहले सर मेरे को लग रहा है कृषि मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए जी। आप पूरी तरह से सिर्फ कृषि मंत्री को ही जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जी जी सर, जी सर। महंगाई में आप कैसे मैनेज करते हैं अपना घर? सर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ मैनेज कर रहे हैं सर, न तो दाल ला पा रहे हैं सर, न हरी सब्जी ला पा रहे हैं, एक चीज लाते हैं दूसरी खत्म हो जाती है, हर चीज में कटौती करके सर सुबह की सब्जी बनती है तो शाम की नहीं बना पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे आगे? आप
आगे तक क्या करें सर, अब तो ये नौबत आ रही है, आत्महत्या करनी पड़ेगी। इस तरह के कृषि मंत्री को लाने के लिए क्या करेंगे आप, किस तरह से मैनेज करेंगे इस तरह के हालात ताकि आपको आत्महत्या के लिए मजबूर ना होना पड़े? इसके लिए सर क्या कर सकते हैं, अब जनता को क्या कर सकती है? क्या अपनी ओर से किसी मुहिम में शिरकत करेंगे आप? जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। महंगाई कमर तोड़ चुकी है, पंकज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी इस कमर तोड़ महंगाई के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं पंकज जी आप? सर इस कमर तोड़ महंगाई के लिए मैं ये पूरी सरकार को जिम्मेदार मानना चाहूंगा। जिस प्रकार से सरकार ने आमजन को परेशान कर रखा, आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ाना, और ये गेहूँ, जैसे गेहूँ एक तरफ तो बोलते भाई फसल ने पैदा नहीं हो रही, एक तरफ से गेहूँ को सड़ा रहे वो लोग। जी तो इसलिए पूरी सरकार ही जिम्मेदार है इस चीज के लिए, पूरी सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो महंगाई गर्भ कमर तोड़ रही है, गरीब जाए तो जाए कहाँ। कमल जी हमारे साथ बाड़मेर, भंवर जी हमारे साथ बाड़मेर से फोन लाइन पर हैं। जी भंवर जी बताइए। हाँ जी हम तो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री जब भी टीवी पे वक्तव्य देते हैं तभी महंगाई बढ़ती है। मैं तो कहता हूँ इनको अभी के अभी इसी वक्त हटा देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। जी अगर नहीं हटेंगे कृषि मंत्री तो उन्हें हटाने के लिए आप आम आदमी की हैसियत से क्या करेंगे, क्या कोई मुहिम से जुड़ेंगे, अपने स्तर पर कोई अभियान चलाएंगे? हम मुहिम, हर कोई मुहिम को जुड़ने को तैयार है हम। जी जी बहुत शुक्रिया भंवर जी आपका चर्चा के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। सिराजुद्दीन जी इस वक्त टोंक से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सिराजुद्दीन जी बताइए आपकी क्या राय है? जी इस महंगाई के बारे में ये राय है कि जो भी सत्ता भी है जी ये तो जनता को बिल्कुल जमकर लूट रही है, और जो विपक्ष है वो तैयारी कर रहा है लूटने की। जी इसके लिए श्री अन्ना और बाबा रामदेव ने जो मुहिम शुरू की है जी, जनता को, भारत देश की पूरी जनता को उनका सहयोग देकर के इन नेताओं को सबक सिखाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सिराजुद्दीन जी अपनी राय हमारे साथ बांटने के लिए। मनीष जी जुड़ चुके हैं पाली से। जी मनीष जी बताइए। पाली से मनीष देवाशी बोल रहा हूँ सर। जी ये मैं ये बोल रहा था सर, ये सरकार को क्या कुर्सी की है सर, ये महंगाई में सरकार कुछ नहीं कर सकती सर। जी ये क्या पूरी महंगाई ने गरीब आदमी की पूरी कमर तोड़ दी है सर। तो आप क्या करते हैं घर चलाने के लिए? घर चलाने क्या करते हैं सर, हम लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं सर। नरेगा में जाके कितना दौर हम वो पूरा करते, मिट्टी खोदते करते, फिर कितना दूरी हम पूरा कराए सर। जी जी मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई कमर तोड़ चुकी है, सब्जियां, गेहूं, तेल, घी, आटा सब महंगा हो चुका है। क्या कृषि मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें कुर्सी की चिंता है? विक्रम जी जुड़ चुके हैं बताने के लिए, रिंगस सीकर जिले के रिंगस से। जी बताइए विक्रम जी क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसके लिए कांग्रेस सरकार है ना, इसकी कोई एक कदम भी नहीं किया 3 साल में जो इन्होंने है महंगाई के खिलाफ। तो अकेले शरद पवार का फैसला नहीं है, ये सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी का भी फैसला है। जी क्या मानते हैं कृषि मंत्री के साथ में वो भी जिम्मेदार है, क्या करेंगे आगे आप? देखो मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स के एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्र माने जाते हैं, लेकिन उनका अर्थशास्त्र कहीं काम नहीं आ रहा। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा के लिए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। रानीवाड़ा से जयलाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बताइए जयलाल जी आपके रसोई का क्या हाल है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं ये कहना चाहूंगा कि मंत्री जी जो बता रहे हैं जिम्मेदार मंत्री जी नहीं है, मैं तकलीफ। जी आप अपनी टीवी स्क्रीन की आवाज, जी अपनी टीवी की आवाज कम करेंगे? जब तक डीजल सस्ता नहीं होगा जी, जब तक ये महंगाई नहीं उठेगी, भले पवार साहब हो कि दूसरा मंत्री हो, कोई मंत्री हो। जी हाँ तो कहने का मतलब पहले जी, जी बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो कहीं ना कहीं महंगाई के लिए महंगे डीजल की भी बात सामने आ रही है। कैलाश जी जुड़ चुके हैं जयपुर से फोन लाइन पर हैं। जी कैलाश जी बताइए। हाँ सर ये मतलब महंगाई पर चर्चा चल रही है आपकी जी, तो इस चर्चा के बारे में यही कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है महंगाई का मामला, सब्जियों का, दालों का,